तो लंबे वक्त के बाद आखिरकार माइक्रोमैक्स ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में वापसी कर ली है और अपनी इन सीरीज में दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और माइक्रोमैक्स इन 1B। इन दोनों ही फोन्स में माइक्रोमैक्स ने लेटेस्ट स्पेक्स दिए हैं, कीमत काफी कम रखी है, साथ ही फीचर्स के मामले में भी ये दोनों फोन्स काफी दमदार लग रहे हैं। तो आज के इस टेक इट इजी वीडियो में आप और हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स के इन दोनों फोन्स की, जानेंगे कि कैसे दिखते हैं, इनमें क्या खास है और साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माइक्रोमैक्स के ये फोन्स चाइनीज कंपनियों की दुकान तक बंद करवा सकते हैं। सो माइक्रोमैक्स ने दो फोन्स लॉन्च किए हैं, एक बजट सेगमेंट में एंट्री लेवल फोन है माइक्रोमैक्स 1B और दूसरा मिड रेंज स्मार्टफोन है इन नोट 1। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन 1B की। तो अगर आप इस फोन के डिजाइन को देखेंगे तो इट लुक्स नीट। अपने इस बजट फोन में माइक्रोमैक्स सिंपलिस्टिक डिजाइन के साथ गया है, हालांकि इस फोन में जो साइड में स्ट्रिप डिजाइन दिया गया है वो एग्जैक्टली रियलमी C11 के जैसा है और पीपल माइट से कि वहां से कॉपी किया गया है, बट ओवरऑल द डिजाइन लुक्स गुड। इस फोन में जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले है, विच आई थिंक इज डीसेंट इनफ फॉर बजट यूजर्स। फ्रंट पैनल पर वाटर ड्रॉप नॉच है, फेस अनलॉक फीचर भी आपको मिलता है, साथ ही यहां पर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। कैमरे की बात करें तो बेसिक स्पेक्स हैं, 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का सेंसर है एंड एज यू नो कि बजट फोन है तो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। MediaTek Helio G35 प्रोसेसर के साथ माइक्रोमैक्स यहां पर गया है, यही सेम प्रोसेसर आपको Poco C3 और Realme C11 में भी देखने को मिलता है। बैटरी के मामले में भी माइक्रोमैक्स ने यहां पर कोई कंजूसी नहीं की है और आपको मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्टोरेज वेरिएंट्स और प्राइस की। तो इन 1B के 2GB 32GB वेरिएंट की कीमत है 6,999 रुपए और 4GB 64GB वेरिएंट जो है वो आपको मिलेगा 7,999 रुपए में। सो प्राइस वाइज इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये प्राइसेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई थॉट 4GB 64GB जो है वो 8,500 रुपए तक आएगा, बट दीज प्राइजेस आर नाउ हाईली कॉम्पिटिटिव। अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की। तो डिजाइन वाइज इट लुक्स गुड, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो बैक पैनल पर एक्स शेप पैटर्न दिया गया है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि ऑनर 9X से कॉपी किया गया है। बट डिजाइन वाइज अगेन आई वुड से इट लुक्स क्वाइट एलिगेंट। 6.65 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले यहां पर दी गई है एंड इट हैज अ पंच होल कटआउट फॉर सेल्फी कैमरा। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहां पर मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा ऑफ कोर्स 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा यहां पर दिया गया है और साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। तो कैमरा स्पेक्स ऑन पेपर्स ठीक ठाक है, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट एनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स है। MediaTek Helio G85 के साथ माइक्रोमैक्स यहां पर गया है, सो एवरेज गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाना चाहिए। 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, विच आई थिंक इज रियली गुड। इन नोट 1 भी दो वेरिएंट्स में आता है, इसके 4GB 64GB वेरिएंट का प्राइस है 10,999 रुपए और 4GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 12,499 रुपए। सो दोनों फोन्स को हाईली कंपेटिटिवली प्राइस किया गया है। ये तो लग रहा था कि प्राइसेस कम होंगे, लेकिन टॉप वेरिएंट 12,499 में आ जाएगा, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। सो चाइनीज कंपनियों का बैंड बजना लाजमी है, क्योंकि एक तरफ तो एंटी चाइना सेंटिमेंट पूरे देश में चल रहा है, ऊपर से माइक्रोमैक्स ने सस्ते फोन्स लॉन्च कर दिए हैं, इंडियन कंपनी सस्ते फोन्स लेकर आ गई है। सो जो माइक्रोमैक्स के लिए सबसे पहला टेस्ट था कि फोन्स के प्राइसेस कम हो, कीमतें कम रखी जाएं, उसमें तो कंपनी लगता है कि पास हो गई है, लेकिन ये फोन्स लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही माइक्रोमैक्स को अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज पर भी ध्यान देना होगा, अदरवाइज कंपनी की राह आगे और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी माइक्रोमैक्स के इन फोन्स के बारे में क्या राय है आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही और दूसरे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप एबीपी लाइव ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर टेक इट इजी वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।